लास्ट नाइट फरमान खान आप सभी लोग जानते हैं वो पहुंचे थे एमिनेंस अवार्ड्स में, जहां उनको अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्टर का। फरमान बहुत ज़्यादा खुश नजर आए, लेकिन उससे पहले फरमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए काफ़ी कुछ बातें कही। देखिए एक इंटरव्यू में एक पोर्टल से बात करते हुए फरमान खान ने शो के बारे में बताया कि धर्मपत्नी को जब एक्सटेंशन मिला तो उसके बाद से उन्हें लगा कि उनकी जो कमिटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मपत्नी के साथ ही रहनी चाहिए। बीच में अफेयर होने की खबरें ज़रूर आई थी। उन्होंने कहा कि जब एक्सटेंशन मिला है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि जिस शो के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस शो को मैं अपना 100% and 200% फुल दूँ। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शो के लिए, होपफुली हम वापस से टीआरपी में वापस आ जाएंगे, बैक टू द पवेलियन हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा जो एक्सटेंशन है वो वर्दी साबित हो जाएगा होपफुली। इस बात की उन्होंने होप जताई है, उम्मीद जताई है। इसके अलावा उनसे गुम है किसी के प्यार में शो के बारे में भी पूछा गया, उनको ऑफ़र था और इस बारे में उनको क्या कहना है। देखिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे ऑफ़र था और मुझे वो मना करना पड़ा, क्योंकि मैं एक शो के लिए कमिट कर चुका हूँ पहले ही, और ऐसे ही हर चीज़ को मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी ठहराव आए, ऐसा नहीं हो कि चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हों। तो उन्होंने कहा कि मुझे मना करना पड़ा क्योंकि मैं ऑफकोर्स एक ऑलरेडी शो के साथ एसोसिएटेड था, और उसके अलावा मैं इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता था। तो मुझे गुम है किसी के प्यार में को मना करना पड़ा, यानी अगर वो मना नहीं करते तो आज गुम है किसी के प्यार में के लिए वो शूट भी शुरू कर चुके होते, और कहीं ना कहीं हम आपको वो हमें देखने को मिल जाते। देखिए गुम है किसी के प्यार में शो में, लेकिन उनके अपने रीजंस रहे उस शो को ना चूज़ करने के और धर्मपत्नी को चूज़ करने के लिए। बहरहाल आपको बता दूं, धर्मपत्नी शो को एक्सटेंशन मिल चुका है, और शो हालांकि टीआरपी में इतना कुछ खास कमाल तो नहीं कर पा रहा, पिछले हफ्ते तो बिल्कुल खास कमाल नहीं कर पाया शो, बहुत ही नीचे खिसक के 0.07 की टीआरपी 0.7 की टीआरपी के साथ बहुत नीचे आ गया था शो। उनसे ऊपर अंकित गुप्ता का जुनूनिया तो डारियां सब तेजस्वी प्रकाश का ऑफकोर्स नागिन, तो ये सब शोज ऊपर रह गए हैं और धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। और अगर हम स्टार प्लस के शोज से कंपेयर करें, अनुपमा गुम है किसी के प्यार में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर हम इन शोज से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है फरमान खान का शो। अब बहरहाल अब देखना होगा कि फरमान खान अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या चुनते हैं। बाय द वे एक म्यूज़िक वीडियो भी करने वाले हैं वो, इस बात का भी इन्होंने ऐलान कल रात को किया है। तो क्या म्यूज़िक वीडियो है, किसके साथ है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प।